सूरत सा चमके हम स्कूल चले हम स्कूल चले हम। तो स्कूली बच्चों के लिए बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपका पढ़ाई अब होगा लाउड स्पीकर के द्वारा, जो कि मैं आपको डेमो वीडियो भी दिखाऊंगा लास्ट में, बने रही वीडियो के साथ में। पढ़ते हैं पूरा न्यूज पहले, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो। तो दैनिक भास्कर की खबर है ये 25 जुलाई 2020 की, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब लाउड स्पीकर से स्कूलों में पढ़ाई कराई जाएगी। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सभी जिलों की प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक स्कूल में इस योजना को उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से आगामी एक सप्ताह के भीतर प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर टेकाम आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर जिले में इस योजना का क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारियों से विस्तार से चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर टेकाम ने कहा कि बस्तर जिले में लाउडस्पीकर से 56 पंचायतों में पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के दौरान बच्चों की पढ़ाई जारी रखने यह मॉडल बनेगा। यह ऑनलाइन पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था है। कोविड की वजह से लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी है। ऑनलाइन अध्ययन सुविधा के साथ साथ ऑफलाइन के लिए भी विभिन्न मॉडल सोचकर उनका क्रियान्वयन शिक्षकों ने किया है। तो देखिए, अभी मैं आपको वीडियो डेमो दिखाने वाला हूँ, जो कि लाउडस्पीकर से कैसे पढ़ाई हो रहा है, वैसे ही अभी पूरे छत्तीसगढ़ में होगा। मोर नाम निरंजन लाल पटेल, प्राथमिक शाला लामी खार संकुल बोजिया। लैका मन आज हमन कक्षा 5वीं के पाठ 3 के सोन के फर के कहानी ला पढ़वो, तो चला कहानी ला सुनाओ। गजब दिन के बात है, एक ठन गांव रहे, गांव में जम्मो झिन खेती किसानी के काम करे, जेकर खेत खानी रहे वह छेरी पटरू चरावे। यही गांव में सुखराम नाम के एक झिन महते रहे और गांव भर के छेरी पटरू चरा के अपन गुजर बसर करे। एक दिन सुखराम है जेठ के महीना में छेरी ल चरावत चरावत वह जंगल के बहुत दूर निकल गए। गर्मी की दिन रहे, भुइया खिपत रहे, तभी सुखराम पानी के प्यास के मारे सलबला गए। तब वह एक दिन रुख के नीचे जाके बैठ गए। वही समय शंकर भगवान हर और रास्ता ले जाते ही तब वकर नजर सुखराम पर पड़ गई। तब शंकर भगवान अपन रूप ला बदल के साधु के धर लिते और सुखराम ला जाके पूछी का हो गए। सुखराम कहे प्यास के मारे मर जाऊं। तब शंकर भगवान ओला फर और पानी दीते। सुखराम पानी ला गटर गटर पीते और फल ला खाई थे। बचे से फल गठरी बना के धर लिते। संझा जब वह घर गई तब वो फल ला रंधी कुरिया के पथेरा में रख दी। बहनिया जब उठी से तो वह फर हर सोन के हो गए रहे। तब ए बात ला होकर गोसाइन सुखिया ला वो बताई से। फिर दूसर दिन सुखराम वो सोन के फल लेके शहर बेचे बर चल दी। तब सुखराम हर वो अपन के दोनों झन बर साड़ी कुर्ता गहना बर्तन ले के आई से। सुखराम के ए सब ला देख के सुखिया ला उकर और पड़ोसी मन पूछी है। सुखिया बेचारी जम्मो झीन ला सही सही बात ला बता दी थे। तब वो बात है ला चोर मला घलो सुंदारी। रात के चोर मन सुखराम के घर ला चोरी करत रही। तभी सुखराम जाग गए, चोर मन तो भाग गए। झुलझुलिया बहना ले सुखराम गांव के में सभा बुलाई। गांव के सभा में चोर मन अपन चोरी के बात ला मान गई। चोर मन फर ला लाके दिन ता फर हर कच्चा हो गए रहे। सुखराम हर ओ फर ला अपन रंधी कुरिया में रख दीते। वह फर फिर सोन के हो गए। तो लैका मन ये कहानी ले हमला ये शिक्षा मिलते कि चोरी ठगी ले काम कभू नहीं बने, चोर मन कभू महल नहीं बनावे। तो कैसा लगा आपको ये मॉडल, छत्तीसगढ़ का कैसा लगा यह प्रयास बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाई का लाउड स्पीकर के द्वारा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा सुझाव लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा सभी फ्रेंड्स के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्कूल चले हम।